एवरीवन, कलरफुल कुकिंग विद चंचल में आपका स्वागत है। आज मैं नॉर्मल बॉयल राइस को एक हेल्दी और कलरफुल ट्विस्ट दूंगी गुड़हल के फूल का यूज करके। हमारे इंग्रेडिएंट है बॉयल राइस, 5 गुड़हल के फूल, 1 टेबल स्पून फ्रेश धनिया, 1 टेबल स्पून फ्रेश ग्रीन चिल्ली, नमक स्वाद अनुसार और 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 6 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। सबसे पहले हम इस फ्लावर का ये बैग से और इसको निकाल लेंगे सभी फ्लावर्स में से, इसके पीछे की स्टेम हटाकर और इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और अपने हरी धनिया को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी गैस को ऑन करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें अपनी हरी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। ये साबुत मसाले हमारे राइस को एक बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। अब हम इसमें अपने राइस डाल देंगे। दो मिनट के लिए भूनेंगे उसको। इसके बाद हम इसमें अपनी कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। बाद सॉल्ट, फ्रेश हरा धनिया डालकर एक बार हल्के से थोड़ा सॉटे करेंगे। इसमें अपने गुड़हल की पत्तियों को, कटी हुई गुड़हल की पत्तियों को डाल देंगे और एक हल्का मिक्स देंगे। फ्रेंड्स, ये गुड़हल की पत्तियाँ एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी से रिच होती हैं, तो ये हमारे राइस को एक अच्छा हेल्दी वर्जन देती हैं। इस तरह से हम इनको अपने राइस में ऐड करके अब इनका हेल्थ बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारे राइस रेडी हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। बचे हुए गुड़हल के फूल और हरे धनिया की पत्तियों से इसकी गार्निशिंग करेंगे।